Welcome to the today's lecture. Today we will discuss some numericals based on kinetic energy, work energy theorem, potential energy, conservation of energy and power. On these topics we will discuss numericals for 2 days. Let's today discuss some of the numericals. Question number first says, a body of mass 4 kg. You have a body which has a mass 4 kg. आपके पास एक बॉडी है जिसकी मास कितनी है 4 kg. तो आप लिख सकते हो m is equal to 4 kg. Initially at rest. ये बॉडी जो है इनिशियली ये किस में है? रेस्ट में. तो आपका u जो होगा दैट विल बी 0. आप लिखो m is equal to 4 kg. मास जो है वो कितना है 4 kg. बॉडी जो है दैट इज इनिशियली एट रेस्ट. इनिशियली एट रेस्ट मींस पहले बॉडी किस में है? रेस्ट में. तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या होगा? 0. आप लिख सकते हो u इज इक्वल टू 0 इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स ऑफ 16 न्यूटन. इस बॉडी पे मैंने 16 न्यूटन फोर्स लगाया. जब मैंने इसको फोर्स लगाया ये बॉडी किस में आएगी? मोशन में. जब ये मोशन में आएगी इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी. तो लिखो F 16 न्यूटन. उसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय द बॉडी एट द टाइम ऑफ 10 सेकंड्स. देखो बच्चों, पहले आपको बॉडी रेस्ट में है, इसकी वेलोसिटी 0 है. जब इसकी वेलोसिटी 0 होगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 0 है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ एम वेलोसिटी स्क्वायर. उसके बाद मैंने इस पे क्या लगाया? फोर्स. फोर्स से बॉडी किस में आई? मोशन में. तो इसके पास क्या पैदा होगी? काइनेटिक एनर्जी. ठीक है ना? हमने वही काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एट द एंड ऑफ व्हाट? एट द टाइम ऑफ 10 सेकंड्स. टी कितना दिया है? 10 सेकंड्स. हमें क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी. देखो बच्चों कैसे करेंगे हम इसको. लेट अस डू दिस न्यूमेरिकल. बोलो बच्चों, मास ऑफ बॉडी किसके बराबर है? 4 kg. प्लीज टेल, ओनली वन विल टेल मी. मास ऑफ बॉडी इज 4 kg. ठीक है, बॉडी क्या इनिशियली किस में है? Rest. तो आपका u जो है दैट्स 0. जब u 0 है तो इसका मतलब है जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 0. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी गई थी दैट विल बी हियर 1/2 mu2. u क्या बेटा? 0. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0. इस पे मैंने फोर्स लगाया, ये फोर्स कितना है बेटा? शाबाश, फोर्स कितना है? 16 न्यूटन. ठीक है, ठीक है. हमें क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी एट ए टाइम ऑफ व्हाट? 10 सेकंड्स. तो टी आपका दिया गया है 10 सेकंड्स. देखो बच्चों, हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी. देखो बेटा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है 0 है. उसके बाद बॉडी पे क्या लगाया मैंने? फोर्स. बॉडी में क्या पैदा होगी? वेलोसिटी. है ना, मुझे वही वेलोसिटी निकालनी है. जब वो वेलोसिटी में निकालूंगा मुझे क्या निकलेगी? काइनेटिक एनर्जी. देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर 1/2 mv2. ठीक है, 1/2 mv2. देखो m मुझे पता है, अब मुझे क्या पता नहीं है? v. m तो मुझे पता है, दिया गया है. अब मुझे क्या पता, क्या निकालना है? पहले v. दिया क्या है? u. दिया क्या है? f. दिया क्या है? t. देखो v कैसे निकालेंगे. हमें फार्मूला पता है, v इज इक्वल टू u प्लस at. V किसके बराबर है? U प्लस at. U का वैल्यू दे दो, V इज इक्वल टू 0 प्लस at. ठीक है, V इज इक्वल टू 0 प्लस at. क्योंकि बेटा U किसके बराबर है? 0 के बराबर. हम ऐसे लिखेंगे V इज इक्वल टू at. V इज इक्वल टू at. व्हाट इज a? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन भी नहीं पता है, है ना, मगर मुझे फोर्स और मास पता है. जब मुझे फोर्स और मास पता है मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं. जरा कैसे? मुझे पता है F किसके बराबर होता है? एम ए. फोर्स किसके बराबर? मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन निकालो, A हो गया F बाय M. A किसके बराबर है? F बाय M. ठीक है, अब V में दे दो, इसका मतलब है V हो गया बराबर F बाय M इनटू T. V किसके बराबर है? F बाय M इनटू T. अरे ठीक है, V इज इक्वल टू F बाय M इनटू T. अब बच्चों देखो, F तो दिया गया है, कितना है? 16. तो V हो गया आपका 16 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 10.
V हो गया आपका 4 1s are 4 4s are 16, V आपका निकला 40 meters per second. निकाला V, अब मैं क्या निकाल सकता हूं? काइनेटिक एनर्जी. तो लगाओ फार्मूला भाई. Therefore, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2. बोलो बेटा, M किसके बराबर है? 4. M किसके बराबर है? 4 into V square. बच्चों V बताओ, V किसके बराबर में निकला? 40. ये हो गया 40 square. देखो बेटा, ये हो गया 2 1s are 2 2s are 4. ये निकला काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2 into 1600. क्योंकि 40 square हो गया 1600. 1600 into 2 वो हो गया 3200. तो बेटा आपका काइनेटिक एनर्जी है जो है वो निकला 3200 जूल्स. ठीक है, दिस कंप्लीट्स फर्स्ट न्यूमेरिकल. ए ब्लट वेहिंग 10 ग्राम्स. हमारे पास एक ब्लट है वेहिंग 10 ग्राम्स. कभी कभी यहां पर जो स्टूडेंट्स हैं वो डर जाते हैं, वो बोलते हैं शायद ये वेट दिया गया है, वेहिंग जब वर्ड है. लेकिन आपको यूनिट पे नजर रखनी है. यूनिट किस में है? ग्राम में. तो ये मास है. अगर यूनिट वेहिंग 10 न्यूटन्स तब वेट होगा. ठीक है, ये है वेहिंग 10 ग्राम्स. तो इसका मतलब है ब्लड का जो मास है वो कितना है? 10 ग्राम्स. आप लिखो M इज इक्वल टू 10 ग्राम्स. इज फायर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर्स पर सेकंड. ये ब्लड किसमें है? गन में. ये ब्लड किसमें है? गन में. इसको मैंने फायर किया किस वेलोसिटी के साथ? 800 मीटर्स पर सेकंड. तो U है आपका किसके बराबर? 800 मीटर्स पर सेकंड. U क्या है? 800 मीटर्स पर सेकंड. डोंट राइट द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस आपको देंगे हम, यू राइट ओनली सॉल्यूशंस. मास है 10 ग्राम्स. इस ब्लड को मैंने फायर किया किस वेलोसिटी से? किस वेलोसिटी से? 800 मीटर्स पर सेकंड. ठीक है बच्चा, तो U कितना है? 800 मीटर्स पर सेकंड. आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल, जब मैंने ब्लड को फायर किया, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 800 मीटर्स पर सेकंड. इसको मैंने फायर किया तो आगे मड वॉल है, मिट्टी का दीवार है. ये ब्लड किस में गया? मिट्टी के दीवार में. जब ये मिट्टी के दीवार में जाएगा इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो दीवार है वो इस पर रेजिस्टिव फोर्स एग्जर्ट करेगा. तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम. इसका मतलब डिक्रीज हो जाएगी. क्वेश्चन कहता है आफ्टर पासिंग थ्रू अ मड वॉल 1 मीटर थिक. जो मड वॉल है उसकी जो ब्रेड्थ है, उसकी जो ब्रेड्थ है, थिकनेस है वो कितनी है? 1 मीटर. तो S दिया गया है कितना है? 1 मीटर. आप लिखेंगे S इज इक्वल टू 1 मीटर. इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस टू 100 मीटर्स पर सेकंड. इसकी वेलोसिटी कितनी बनी? 100 मीटर्स पर सेकंड. U कितनी थी? 800 मीटर्स पर सेकंड. फाइनल वेलोसिटी कितनी है? लिखो V इज इक्वल टू 100 मीटर्स पर सेकंड. आपको क्या निकालना है? द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द मड वॉल इज. द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द मड वॉल इज. देखिए बेटा, हाउ वी विल डू दिस न्यूमेरिकल, लेट्स डू दिस. उसकी मास M जो है दैट इज 10 ग्राम्स. हमारे पास ब्लड है, उसकी जो मास है दैट इज 10 ग्राम्स. ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे पहले किलोग्राम में. ठीक है ना, आपको पता है 1000 ग्राम्स इज इक्वल टू 1 किलोग्राम. 1 किलोग्राम जो है दैट इज इक्वल, 1 ग्राम जो है दैट इज इक्वल टू 10^-3 kg. आपको पता है ना 1000 ग्राम्स, एक ही बार रखो यार, इज इक्वल टू 1 kg. अब अगर 1 ग्राम निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू 1/1000 kg. दैट विल बी इक्वल टू 10^-3 kg. व्हेन यू कन्वर्ट ग्राम इनटू किलोग्राम यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 10^-3. तो ये हो गया एम इज इक्वल टू 10^-10^-3 kg. ठीक है, ये हो गया एम इज इक्वल टू 10^-2 kg. तो मास है 10^-kg, दिस इज 10^-2 kg. ठीक है, इस ब्लड को मैंने किससे फायर किया? गन से. किस वेलोसिटी से? 800 मीटर्स पर सेकंड. तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है या इनिशियल स्पीड जो है दैट इज 800 मीटर्स पर सेकंड. यहां देखो, ये आपका ब्लड है, इस ब्लड की जो मास है दैट इज 10^-2 kg. इस ब्लड को मैंने फायर किया विद अ वेलोसिटी ऑफ 800 मीटर्स पर सेकंड. तो U जो है वो कितना है? 800 मीटर्स पर सेकंड. आगे जाके ये ब्लड एक मड वॉल में गया.
इस मड वॉल की जो थिकनेस है वो है 1 meter. जब ये मड वॉल में जाएगा हमारे ब्लड, इसकी जो स्पीड है ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, है ना डिक्रीज, क्योंकि मड वॉल जो है ये इस पे रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्ट करेगा, हमें वही रेजिस्टिव फोर्स निकालना है, ठीक है. आप देखो अब v कितना है, v है 100 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, 1/2 mu square, ठीक है. फाइनल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, 1/2 mv square, ठीक है ना. डिस्टेंस दी गई है s, s कितना बेटा, शाबाश, s है 1 meter, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लड. ये ब्लड ऐसे है, सामने क्या इसको है मड वॉल, मैंने फायर किया 800 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ये किस में चला गया, मड वॉल में. मड वॉल में जब ये गया इसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 1 meter, ठीक है ना. तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम, ठीक है ना. जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी. इसका मतलब है मड वॉल में जाने से इस ब्लड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई. लेकिन आप लोगों ने परसों पढ़ा वर्क डन होता है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना. वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. क्योंकि यहां इस बॉडी, यहां इस ब्लड की काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, पहले वेलोसिटी ज्यादा थी, उसके बाद वेलोसिटी क्या है, कम, यानी डिक्रीज हो गई. डिक्रीज होना मतलब हो गया चेंज होना. तो जब आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, वर्क डन एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना. नाउ हमें क्या निकालना बेटा, हमें क्या निकालना, हमें एफ निकालना है जो मड वॉल ने इस पर रेजिस्टिव फोर्स अप्लाई किया, ठीक है. हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. वर्क डन किसके बराबर है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. यहां देखो बच्चों, वर्क डन किसके बराबर होगा, वो हो गया F into S, ठीक है ना. F into S बेसिकली ऐसे है, ये है F S cos theta. वर्क डन किसके बराबर है, F S cos theta, है ना बच्चा. F S cos theta इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वो होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. देखो बच्चों यहां नजर रखो प्लीज, क्वेश्चन बहुत अच्छा है. यहां जो थीटा है, जरा मुझे बताओ थीटा कितना होगा यहां पर, नहीं जीरो नहीं होगा, डिस्टेंस इस साइड में है, वाल तो इस साइड में फोर्स, बुलेट यहां से आ रहा है, वाल यहां से फोर्स एग्जर्ट करेगा, थीटा होगा 180 degree. जरा क्यों होगा 180 degree, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लड, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ब्लड और द और फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल, वो क्या आपस में अपोजिट, तो थीटा कितना होगा यहां, 180. थीटा होगा 180. तो आपको ये बनेगा S cos 180 इज इक्वल टू आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv square, ठीक है. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mu square, 1/2 mu square, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है. देखो बच्चों ये हो गया cos 180 डिग्री हो गया -1, ये बनेगा -fs, क्योंकि cos 180 डिग्री क्या है, -1 into fs कितना हो गया, -fs इज इक्वल टू 1/2 m, जो है उसको कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में रहेगा v² - u². अब वैल्यू दे दो बेटा, ये हो गया माइनस एफ इंटू एस जो है वो है 1 इज इक्वल टू 1/2, आपका जो m है दैट इज 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू आपका जो v है वो है 100 square माइनस आपका जो u है वो है 800, तो यहां बनेगा 800 square. देखो बेटा ये बनेगा माइनस एफ इज इक्वल टू 1/2 × 10⁻², यहां देखो ये है a² - b² ये किसके बराबर है, a into b a - b into a + b, तो ये होगा ऐसे 100 - 800 × 100 + 800, a - b into a + b, a² - b² इजी कैलकुलेशन. तो ये बनेगा माइनस एफ
is equal to 1 by 2 into 10 raised to power minus 2 into minus 700, 800 minus 100 हो गया, minus 700 into 900, ठीक है बेटा, ठीक है, ये हो गया minus f is equal to, इसका minus जो है ये बाहर आएगा, ये होगा minus 1 by 2 into 10 raised to power minus 3, 10 raised to power minus 2 into 700 into 900, है ना, ठीक, अरे भाई है ना, ये 700 into 900 मल्टीप्लाई ये है 10 raised पावर माइनस 2 जो है इसको नीचे लाएंगे, नीचे क्या बनेगा ये 10 raised पावर प्लस 2, 10 raised पावर प्लस 2 हो गया किसके बराबर 10 into 10 वो क्या होगा 100, ये तो ये बनेगा ऐसे माइनस माइनस कैंसल्स, ये बनेगा f is equal to 1 by 2 into 10 raised पावर माइनस 2 के बदले लिखूंगा मैं 1 by 100 into 700 into 900, ये जीरो और ये दो जीरो खत्म, ये बनेगा f is equal to 1 by 2 7 into 900, ये बनेगा f is equal to 7 zeros are 0, 7 zeros are 0, 7 nines are 63 divided by 2, ये बनेगा आपका f is equal to 2 threes are 6, 2 ones are 2, 2 fives are 10, उसके बाद 0 आएगा 3150 newton, this is the answer. नंबर थर्ड, बोथ नीट एज वेल एज बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके बोर्ड में. इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस बाय 20%, एक बॉडी है उसका कुछ लीनियर मोमेंटम होगा, वो लीनियर मोमेंटम इंक्रीज होता है किस परसेंटेज से, बाय 20%. व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी. क्वेश्चन कहता है कि अगर एक बॉडी का मोमेंटम 20% से इंक्रीज हुआ, उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस परसेंटेज से इंक्रीज हो जाएगी. इसका मतलब है आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी. ये क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें दिमाग में लाना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, जो मैंने पढ़ाया था रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है ना, वही रिलेशन हम लगाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. आपने रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम पढ़ा है, आपको मैंने उस दिन पढ़ाया जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होता है बराबर, वो होती है बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. सपोज जो p है ये बॉडी का जो इनिशियल मोमेंटम है, पहले बॉडी को जो पहले मोमेंटम था उस मोमेंटम को मैं पी रखूंगा नाम, इंक्रीज होने से पहले, ठीक है ना, ओरिजिनल मोमेंटम या इनिशियल मोमेंटम क्या लेंगे हम, पी. इसी तरह इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को लेंगे हम के, क्या लेंगे के. लेट पी इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम, के इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या लिया मैंने, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. देखो बच्चों इधर, तो के मेरा हो गया बराबर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मेरी जो है वो है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. अब बच्चों इसने ये मोमेंटम इंक्रीज किया है, क्या किया है, बाय व्हाट परसेंट, 20%. यानी जो ये P है, पहले मोमेंटम का वैल्यू क्या है P, उसके बाद इसने क्या किया, इसको इंक्रीज किया कितने परसेंट से, 20%. मैं लिखूंगा इससे इंक्रीज इन मोमेंटम इज इक्वल टू 20% ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यानी 20% ऑफ P. इंक्रीज इन मोमेंटम हो गया 20% ऑफ P, है ना, इसने मोमेंटम को इंक्रीज किया किस परसेंट से, 20% से, तो वो निकालो, वो हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू पी, वो हो गया पी डिवाइडेड बाय 5. देखो क्यों, 21s are 25s are, वो हो गया पी बाय 5. ये है इंक्रीज इन मोमेंटम. अब फाइनल मोमेंटम किसके बराबर होगा, वो होगा इनिशियल मोमेंटम प्लस इंक्रीज इन मोमेंटम. अरे बाबा अगर डिक्रीज इन मोमेंटम होगा तब माइनस होगा इधर,
तब इनिशियल मोमेंटम को ये मुझे माइनस करना है। अब ये क्वेश्चन कहता है मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, तो फाइनल मोमेंटम जो होगा वो होगा इनिशियल मोमेंटम प्लस इंक्रीज इन मोमेंटम। तो मैं ऐसे लिखूंगा, देयरफॉर फाइनल मोमेंटम विल बी इक्वल टू पी प्लस पी बाय फाइव, दैट विल बी इक्वल टू पी फाइव पी प्लस पी सिक्स पी बाय फाइव। कैसे, फाइव से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा फाइव पी, फाइव पी प्लस पी कितना हो गया सिक्स पी डिवाइड बाय क्या हो गया फाइव। ऐसे भाई फाइव से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, निकला मेरा फाइनल मोमेंटम। इसी तरह मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मैं ऐसे लूंगा, लेट के डैश इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। के डैश क्या लिया मैंने, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी तब है जब मोमेंटम का वैल्यू क्या है सिक्स पी बाई फाइव। मेरी तरफ देखो, जब देयरफॉर के डैश इज इक्वल टू, यहां देखो बेटा के डैश किसके बराबर है, के डैश इज इक्वल टू मोमेंटम होता है काइनेटिक एनर्जी जो मोमेंटम के दरमियान रिलेशन है पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। इस वक्त पी के बदले क्या है, तो ये होगा 6p बाय 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि मोमेंटम जो है अब वो 6p बाय 5, अब वो p नहीं रहा। तो आगे जाएंगे, आपका जो k डैश होता है, k डैश आपका बनेगा 6 6 36 p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25 होल डिवाइडेड बाई 2m। के डैश निकला आपको बराबर 6 6 36 5 5 25 36 डिवाइड बाई 25 पी स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, मैं ऐसे लिखूंगा के डैश इज इक्वल टू 36 बाई 25 इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये अलग लिखा मैंने, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m, 36 बटा 25 जो है वो अलग लिखा, मगर p square divided by 2m किसके बराबर है, k के बराबर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो आपका k डैश जो है, k डैश आपका निकला 36 divided by 25 into k। k किसके बदले मैंने लिखा, शाबाश, किसके बदले बच्चा लिखा p square divided by 2m। देखो मेडो, आपको निकालना है क्वेश्चन में परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक। उसके लिए फार्मूला है, ये फार्मूला आपको याद रखनी है, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगा, फार्मूला जबानी याद रखो, ये होता बराबर फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100%। यानी परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी होता है बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जरा बच्चों फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है, 36 डिवाइडेड बाय 25 की है ना, यहां तो वैल्यू लगाओ, यह हो गया 36 डिवाइडेड बाय 25 के माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा के, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इधर है के, इधर के क्या, यहां डिवाइडेड बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा के, है ना, इनटू क्या है 100%। देखो बच्चों के जो है वो कॉमन आएगा, के जो है यहां पर वो कॉमन आएगा, ये बनेगा के ब्रैकेट में रहेगा 36 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 1 डिवाइडेड बाय के इनटू 100%। के और के कैंसल, के और के कैंसल, ये बनेगा आपका 25 इंटू 1 हो गया 25, ये हो गया 36 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%, ये बनेगा 11 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%, 25 वन जार 25 फोर जार हो गया 100, ये बनेगा 11 इंटू 4 हो गया 44%। This completes this beautiful question. In the same way, we will solve this question. ये भी important question है, board के लिए भी, NEET के लिए भी. Question कह रहा है, if the kinetic energy of a body increases by 300%, previous question में momentum increase हुआ था,
यहां पर क्या इंक्रीज हुआ? काइनेटिक एनर्जी बाय व्हाट परसेंट? 300%. द परसेंटेज इंक्रीज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विल बी 100%, 200%, 300% एंड 400%. एक चीज आपको याद है, जो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम होगा वो होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100%. तो आपको निकालना होगा फाइनल मोमेंटम क्या है, इनिशियल मोमेंटम उसके सब्ट्रैक्ट करना है, डिवाइड करना है इनिशियल मोमेंटम, मल्टीप्लाई करना है 100%, तो आपको आंसर आएगा. लेट अस डू इट. पहले हमें रिलेशन ढूंढनी है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के दरमियान. वो रिलेशन पता है जरा क्या है? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. ऐसे बच्चा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. आराम से, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. यहां काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया गया है, हम ऐसे लिखेंगे बेटा, लेट ई इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. ई क्या लिया मैंने? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. पी को मैं लूंगा इनिशियल मोमेंटम. पी को मैं लूंगा बच्चा इनिशियल मोमेंटम. बच्चों देखो, तो ई जो मेरा है वो बनेगा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m. काइनेटिक एनर्जी के बदले में ई लिखूंगा, ठीक है. इस वक्त मुझे P का निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज इन P, तो मैं P का वैल्यू निकालूंगा. देखो बच्चों, ये हो गया P स्क्वायर इज इक्वल टू 2m. ये हो गया P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m इनटू E है. ये हो गया P इज इक्वल टू ट्वाइस एम ई. E है P स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, तो P स्क्वायर हो गया 2m E. स्क्वायर हटा दो, यहां रूट आएगा, तो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m E. व्हाट इज दिस? This is initial momentum. क्या है बच्चा? Initial momentum. What is E? Initial kinetic energy. अब kinetic energy का जो value है वो किस percent से increase हुआ है? By 300%. यहां देखो, increase in kinetic energy वो हो गया 300% of E. यानी जो ये काइनेटिक एनर्जी जिसका इनिशियल वैल्यू ई है, इसको मैंने इंक्रीज किया बाय 300% ऑफ इट्स वैल्यू. इसका मतलब है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया बाबा 300 डिवाइडेड बाय 100 इनटू ई ऑफ इज ई. इसका मतलब है ये हो गया 3e. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ? 3e. अब मैं पहले निकालूंगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी, उसके बाद निकालूंगा फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना. देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वो हो गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी ई प्लस इंक्रीज इन इट्स वैल्यू. कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ? 3e. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरी किसके बराबर बन गई बाबा? 4e. इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी हो गया 300% ऑफ ई. दिस इज 300/100 इनटू ई. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी होगी 3e + 3e. क्योंकि इंक्रीज होता है तो ऐड करना, अगर डिक्रीज होगा तो आपको क्या करना है? सबट्रैक्ट करना. तो इसका मतलब है फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 4. वो तो निकाली मैंने, दैट इज 4e. अब मैं निकालूंगा फाइनल मोमेंटम. बच्चों मैं ऐसे लिखूंगा, लेट पी डैश इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. यहां देखो बच्चों, पी डैश जो है दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m. ई के बदले क्या लिखूंगा मैं? 4e. न्यू काइनेटिक एनर्जी है ना, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2m इनटू 4e. ये जो 4 है ये रूट से बाहर आएगा, ये बनेगा p डैश इज इक्वल टू 4. जब रूट से बाहर आएगा तो ये 2 बनेगा, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2. अंडर रूट ऑफ 2m e. अंडर रूट ऑफ 2m ई किसके बराबर है? पी के बराबर. तो आपको निकला पी डैश इज इक्वल टू 2p. निकाला आपने फाइनल मोमेंटम, है ना. पी डैश इज इक्वल टू 2p. जरा मेरे बच्चों आप निकालो, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज इन
linear momentum, percentage increase in momentum या linear momentum, percentage increase in momentum is equal to final momentum, शाबाश, minus क्या होगा? तो आप बोल रहे हैं, minus क्या है? Initial momentum divided by क्या है? शाबाश, divided by है initial momentum into क्या है? शाबाश, into 100%. देखो बच्चों, परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम के लिए फॉर्मूला है चेंज इन मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम इनटू 100%. यहां देखो बच्चों, फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा 2p, ये हो गया 2p, इनिशियल मोमेंटम क्या है मेरा p, है ना, इथ है p, है ना, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोमेंटम क्या है p इनटू क्या परसेंट है 100%. 2p में से p घटाओ कितना आएगा p, this is p by p into 100%. ये हो गया p और p cancel, 1 into 100%. वो कितने परसेंट इंक्रीज हो जाएगा भाई? 100%. तो कितना इंक्रीज हो? 100%. बात समझ आई? Yes sir. Simply I have done this question. Very important. These two questions are very very important. Now, question number 5 reads: A block of mass 5 kg. आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है 5 kg, इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस. इज रेस्टिंग मींस इट इज एट रेस्ट. तो यू जो होगा वो क्या होगा? जीरो. जब यू जीरो है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? जीरो. मतलब है ना, इज रेस्टिंग, इज रेस्टिंग मींस इट्स एट रेस्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस. एट व्हाट एंगल हमें एंगल निकालना है. ए फोर्स ऑफ 20 N बी एक्टेड ऑन द बॉडी. पहले ये बॉडी एक स्मूथ सरफेस में रेस्ट पे है. क्वेश्चन कह रहा है इस बॉडी पे मैं किस एंगल से फोर्स अप्लाई करूंगा, किस एंगल पे फोर्स अप्लाई करूंगा, सो दैट इट विल इक्वायर ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 40 J. इसमें कितनी काइनेटिक एनर्जी बनेगी? 40 J आफ्टर मूविंग 4 m. यहां देखो बेटा, आपके पास एक बॉडी है वो रेस्ट पे, ये मानो ये बॉडी है, ये किस में है? रेस्ट में. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो. क्वेश्चन कह रहा है इस बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊंगा, आपको एंगल निकालना है किस एंगल पे मैं, ये मानो ये फोर्स है, किस एंगल पे मैं ये फोर्स अप्लाई करूंगा इस बॉडी को, ठीक है ना, सो दैट इस बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या बनेगी? 40 J. जब इस बॉडी ने कितने मीटर मूव किया? देखो बेटा, पहले हम लिखेंगे m. m किसके बराबर है? 5 kg. F कितना है? 20 N. आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 40 J. ठीक है. आपका s कितना है? 4 m. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. मास ऑफ ब्लॉक, मास ऑफ बॉडी कितनी है? 5 kg. 5 kg है ना. इट इज एट रेस्ट. u क्या है? जीरो. ठीक है ना. इसके बाद इस बॉडी पे मैंने क्या लगाया? फोर्स. कितना है फोर्स? 20 N. ये ऐसे बॉडी है, देखो बच्चों, ये स्मूथ सरफेस है, ये बॉडी ऐसे है, ये बॉडी रेस्ट में है, इस बॉडी की जो मास है वो है 5 kg. इनिशियली ये बॉडी रेस्ट में है तो u जीरो है. हमें इस पे क्या लगाना है? फोर्स. ये मैंने फोर्स लगाया, ये कितना है? शाबाश, 20 N. इस फोर्स से ये बॉडी कितने मीटर चली? 4 m. ठीक है ना. से ये यहां पर पहुंच गई. यहां पर इसकी जो काइनेटिक एनर्जी वो कितनी बन गई? शाबाश, काइनेटिक एनर्जी कितनी बन गई? 40 J. ठीक है ना. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? शाबाश, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी जीरो. क्यों जीरो होगी? क्योंकि यू जीरो है. ठीक है ना. आपको ये एंगल निकालना है, ये एंगल थीटा है ना, ये निकालना है. ठीक है, ठीक है. फोर्स कितना दिया गया है? 20 N. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? 1/40 किसके बराबर है? शाबाश, 40 J. ठीक है. डिस्टेंस s कितना है? 4 m. आपको थीटा निकालना है. यहां देखो, पहले काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो. अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? 40 J. इसका मतलब है यहां काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है? वर्क डन. एज पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. मैं लिखूंगा
as per work energy principle, as per work energy principle, यहां देखो बच्चों, work done होगा बराबर change in kinetic energy, work done होगा बराबर change in kinetic energy, तो work done होगा बराबर change in kinetic energy, last पे क्या kinetic energy है? 40, ये होगा 40 joules minus 0 joules, मगर work done होता है बराबर Fs cos theta, ये होगा Fs cos theta is equal to 40 joules, 40 लिखेंगे आप, F किसके बराबर है? 20, S कितने बराबर, S किसके बराबर है? 4, ये होगा 20 into 4 into cos theta is equal to 40, ये हो गया 80 cos theta is equal to 40, ये हो गया बेटा cos theta is equal to 40 divided by 80, ये हो गया cos theta is equal to 1/2, ये होगा cos theta is equal to cos 60, ये हो गया theta is equal to 60 degree, फिर से सुनो, mass है 5 kg, u है 0, F है 20 newton, final kinetic energy दी गई है, अब u जो है वो है 0, इसका मतलब है initial kinetic energy क्या होगी? 0, आपको पता है work done किसके बराबर होता है? Change in kinetic energy, वो होगी final kinetic energy minus initial kinetic energy, आपकी जो final kinetic energy वो है 40, आपकी जो initial kinetic energy वो है 0, तो आपका work done जो होता है, वो होता है Fs cos theta, F भी दिया, S भी दिया, यहां से ये निकाला change in kinetic energy, वैल्यू दे दिया आपको cos theta निकला 1/2, लेकिन cos theta कब होता है 1/2? cos 60, तो आपका theta कितना निकला बच्चा? 60, ठीक है ना? This completes this question. Reads a 50 kg man, एक आदमी है उसका मास कितना है? 50 kg, with 20 kg load on his head, एक तो उसका अपना मास है कितना? 50 kg, और हेड पे कितना है? 20. तो कुल कितना मास है उसके पास? 70 kg. Climbs up 20 steps. ये ऐसे सीढ़ियों से चढ़ गया. तो कितनी सीढ़ियों में कितने स्टेप है? 20. हर एक स्टेप जो है, हर एक स्टेप की जो हाइट है, वो है 0.25 meters. ये जो हमारा बंदा है, इसकी मास जो है वो 50 kg है, प्लस इसकी इसने जो लोड उठाया वो उसकी मास जो है वो 20 kg है, अब ये सीढ़ियों को चढ़ा, हर एक सीढ़ी की हाइट कितनी है? 0.5, कुल कितनी सीढ़ियां हैं? 20. देखो बेटा यहां देखो कैसे करेंगे हम, लेट अस डू दिस क्वेश्चन, m को लेंगे हम टोटल मास, यहां देखो बेटा m को क्या लेंगे हम? टोटल मास, m is total mass, ये total mass हो गया mass of man, यानि 50 kg, 50 plus 20, वो कितना हो गया? 70 kg, बंदे की जो mass है वो कितनी है? 70 kg, देखो बेटा, ये बंदा ऐसे चढ़ गया, steps, ऐसे, कितने steps को चढ़ा है? 20 steps, हर एक step की जो height है वो कितनी है? 25, कुल height कितनी होगी? वो होगी 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.25, है ना, या ये भी चाहिए 0.25, ये भी चाहिए 0.25, ये भी चाहिए 0.25, वो 0.25 करो वी लेट ऐड, सो वो सिंपली 20 0.25, ठीक है ना, नाउ हाइट, हाइट h लेंगे हम टोटल हाइट, h को लेंगे हम टोटल हाइट, वो हो गया बेटा 20 into 0.25, वो हो गया बच्चा 20 into 25 by 100, वो हो गया 25 ones are 25 fours are, that is 5 meters, हमें क्या निकालना है, work done, देखो बेटा, ये ground से यहां तक चला, वो work done जो हम करेंगे, वो हम gravitational force के खिलाफ करेंगे, वो वर्क डन हमने परसों निकाला पोटेंशियल एनर्जी में, वो होता है बराबर mgh, यस सर, क्योंकि वही काम जो है वही इस बंदे में यहां पर स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या बेसिकली दैट पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेसिकली? वर्क डन, तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh, तो वर्क डन भी किसके बराबर होगा? mgh,
हम लिखेंगे, हमें वर्क डन निकालना है, W निकालना है, W हो गया बराबर एम जी एच, तो W हो गया मेरा बच्चा बराबर M कितना है 70। देखो G का वैल्यू 9.8 है, हम इसको क्वेश्चंस में लगभग 10 लेते हैं, क्योंकि 9.8 और 10 अप्रोक्सीमेटली लगभग बराबर है, तो हमारी कैलकुलेशन इजी बनती है, तो हम G का वैल्यू क्या लेंगे यहां पर 10, ये हो गया 10 into H, H कितना है 5, तो ये निकलेगा W is equal to 700 into 5, ये निकलेगा W is equal to 3500 joules. This completes this question. ठीक है? Important question है ये. Concept based question. Concept based इसको कहते हैं. The kinetic energy acquired by a body of mass m in traveling some distance s, starting from rest under the action of a constant force, is directly proportional to m naught, m raised to power 0, m square under root m. The kinetic energy of a body, the kinetic energy acquired by a body of mass m in traveling some distance starting from rest. जब body rest में होगी पहले तो kinetic energy किसके बराबर है? 0 के बराबर. अब क्या kinetic energy है? अब मुझे निकालनी है काइनेटिक एनर्जी, मुझे बोलनी है वो काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल होगी, मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी होते चेंज इन वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन, ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होता है वर्क डन. तो क्वेश्चन ऐसे कहता है काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय अ बॉडी, जो बॉडी पहले रेस्ट में थी, अब इसने जो काइनेटिक एनर्जी एक्वायर की वो काइनेटिक एनर्जी किसको प्रोपोर्शनल है, वेदर इट इज प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर 0 और इट इज प्रोपोर्शनल टू एम और एम स्क्वायर और अंडर रूट एम. लेट अस डू दिस क्वेश्चन. देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डन, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, ठीक है बेटा. काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला है 1/2 mv², वर्क डन है F into S. जरा यहां देखो काइनेटिक एनर्जी क्या है 1/2 mv² किसके बराबर निकली F into S. इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एज पर दिस रिलेशन 1/2 mv² is called m into s. Iska matlab hai kinetic energy doesn't depend upon mass. It depends upon force and distance. Achha, theek hai na? This implies kinetic energy doesn't depend upon mass. As per this question. इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू एम रेज टू पावर 0 बिकॉज इट इज नॉट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एज पर दिस क्वेश्चन. काइनेटिक एनर्जी F into S है ना, ये मास पे नहीं डिपेंड यहां करती है, तो मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एम रेज पावर 0. अगर चूंकि फोर्स क्या है कॉन्स्टेंट, अगर डिस्टेंस भी कॉन्स्टेंट होगी, इसका मतलब है 1/2 mv² होगा फिर कॉन्स्टेंट. इसका मतलब है mv स्क्वायर होगा कांस्टेंट. देखो क्यों, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है. इसका मतलब है v स्क्वायर होगा बराबर कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m. अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, यहां मैं बताऊंगा कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास. हाउएवर इन द सेम क्वेश्चन वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास. क्यों, वेलोसिटी किसके बराबर निकली, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m. ठीक है ना, दिस कंप्लीट्स दिस क्वेश्चन. दैट्स ऑल फॉर टुडे.